में मसला ये है कि उनका इंतकाल हुआ, तो हमें खबर हुई तो उनके बारे में छानबीन हुई, तो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनका कहना था मैं किसी नबी को नहीं मानता। तो भाई ये धार्मिक मामला हमारा, ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो हमारे धर्म के खिलाफ वो बयानबाजियां करते थे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो वो क्यों उसके साथ शरीक हुआ किसी उसके मामला। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़ाई। वो नमाज का मसला ये है, हम सिर्फ मस्जिद के हैं इमाम, मस्जिद की नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी, बाकी रहे जनाजे वगैरह ये तो घर के व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, ये तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनका घर का एक व्यक्ति थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज यही सामने हुई सहन में और दफन भी यही कब्रिस्तान में हुए। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं, ना ही कोई इसका ताल्लुक सियासत से है और ना ही किसी और चीज से है। आप चाहें तो यहाँ लड़की क्षेत्र में आप किसी से बात कर सकते हैं। अब उनका आरोप यही है कि आपने नमाज नहीं पढ़ाई, हमारे किसी उसमें शरीक नहीं हुए, तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम शरीक हुए या नहीं, बाकी सियासी मामलात में हमारा कोई वास्ता नहीं। हम तो कोई मस्जिद के इमाम, हम क्यों पढ़ेंगे सियासी। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं डीएम साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब तक शिकायत है, कहा है कि किसी सियासत की वजह से हमारे वालिद साहब की नमाज नहीं पढ़ाई। नहीं, सियासी मुद्दा कोई नहीं है यहाँ पर, ये तो बेवजह वो अपना पक्ष भारी करने के लिए, हम लोगों को डाउन करने के लिए चीज दिखा रहे हैं। भाई यहाँ ये मसला धार्मिक है, धार्मिक मामला हमारा निजी मसला है, तो इसमें उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपको हमारी बात सच नहीं लगती तो आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पूरी छानबीन कर सकता है, यहाँ क्षेत्र में आकर लोगों से संपर्क कर सकता है, और हम कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम भी जो है यहाँ के जिम्मेदार, मस्जिद आले हजरत सबसे बड़ी मस्जिद है कुंदरकी की, हम सबके जनाजे पढ़ाएंगे तो उनके पढ़ाने में क्या दिक्कत होगी हमें। लेकिन हाँ, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे नबी जिन जिन पर हमारी आस्था है, पूरा धर्म उन पर डिपेंड है, उनको गलत कहेगा तो हम उसके मौत में हम शरीक कैसे हो सकते हैं। आपका कहना है सियासत से कोई मामला, कोई कोई मसला नहीं सियासत से। बस ये है कि हम लोग बीजेपी लड़ाते हैं हमारे यहाँ शुरू से, अब ये सभी कर रहे बीजेपी से हटो, पापा हमारे मान रहे, हम लोगों का सपोर्ट बीजेपी में रहा। अब जब मेरे पापा की डेथ हुई तो बोला इनका सबका समाज से बायकॉट कर दो, इनके किसी काम में कोई शरीक नहीं। तो क्या हुआ था, कब हुआ पापा का इंतकाल आपके? 23 जुलाई। तो किस तरह से बायकॉट करा उन्होंने, थोड़ा बताएं। उन्होंने सबसे कह दिया इनकी जनाजे की नमाज में कोई शरीक नहीं, वरना हम इनकी नमाज यहाँ पढ़ाए। तो फिर कैसे नमाज हुई, क्या कैसे हुआ? फिर हमारे भाई की ससुराल से साले को बुलाया गया, उन्होंने आके नमाज पढ़ाई। अब कोई भी जैसे मरने के जो सब काम होते हैं, कोई आदमी को शरीक नहीं होने दे रहा है, तब तुम बीजेपी वाले करवाएंगे तुम्हारा सारा काम। कौन लोग है वो जो कह रहा है था? ये इमाम साहब ने निकाली हमारे लिए फतवा, वो हम लगे कि मेरे पापा बीजेपी को वोट देते हैं, हमें पहले से पापा के इसलिए हम चलना जगह बनी पड़ा। इमाम साहब और चार चार पांच लोग हैं साथ में, लोग उन सबों ने बड़े लोग पैसे वाले बदमाश लोग से नमाज दी हुई, दसवीं की फातह न होंगी। तो कब की घटना, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का, थाना क्षेत्र का मामला थोड़ा बताएं। थाना कुंदर की किस जगह का, वो मोहल्ला कैसन कुंदर की। अच्छा, कब का मामला है ये? 23 तारीख। क्या हुआ था, आपके वाले साहब का क्या नाम है? अलीजाद। अच्छा, क्या हुआ था? आप लोग मेरे अलीजाद का मुझे अटैक आ गया, चार मौत हो गई। फिर क्या हुआ? जनाजे की नमाज तैयार हुई तो इमाम साहब ने मना कर दिया। क्या नाम है इमाम साहब? इमाम राशिद। क्या कह रहे थे? कह रहे थे बीजेपी वोट देते, भाई चार पांच लोग हमारे पास आएंगे, मेन मेन आदमी नेता लोग हैं ये, कह रहे क्या नाम है, भाई नमाज में पढ़ा इनकी बीजेपी वोट देना, ये लसन आ रहा है फिर करेंगे, अगर आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आप कौन सी पार्टी को लड़ाते हैं? बीजेपी को लड़ाते हैं। वाले साहब भी आपके? वाले साहब कितने सालों से बीजेपी को लड़ाते हैं? हमारे बहुत जगह जमाने से बीजेपी के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये कौन से लोग हैं, क्या कह रहे थे आपसे? ये अभी मार के धमकी दे रहे हैं, बोले सर तू बड़ा बोले अब चल आप तो मिल जाए चिट्ठी मारेंगे क्या नहीं तगड़ी करेगा तू, मैं नहीं तगड़ी दूर रहता हूँ सर। आपने कहाँ करी, कहाँ का शिकायत करी है? मुख्यमंत्री पोर्टल पर करी है, डीएम साहब पे करी है, एसएसपी साहब पे करी है, कमिश्नर साहब पे करी है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन है, 1 बच्चे। कितने हैं आपके? 3 बच्चे। क्या चाहते हैं आप योगी सरकार से, क्या गुहार लगा? योगी सर ये जाना कुछ तो कार्रवाई होगी, अगला भी दखल तो आप थोड़ी बहुत, और तो मुसलमान बुद्ध ने चाबी आप लड़के वैसे बैठने दे दो, मुसलमान क्षेत्र हमारे पूरे मुसलमान।
देखिए अभी शिकायत मेरे पास अभी भी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब जब उनकी जनाजे की जो नमाज होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया, तो कुछ कथित आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने SDM और एडिशनल SP साहब और SP साहब सभी को ये बताया गया है, जिसको हम लोग तत्काल वेरीफाई करा रहे हैं, और अगर किस प्रकार से भी ये सत्यता है इसकी पाई जाएगी तो संबंधित सुंदर के थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए, तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाने के लिए मना कर दिया, और उनकी कमेटी के कुछ दो तीन लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।